ओम नमः शिवाय। मो गृहिणी परिवार को अपन समस्त को पुणि थे अनेक अनेक स्वागत। मो पाख को बहुत प्रश्न आसी थाए जे दीदी आम स्वामी स्त्री भितर बहुत झगड़ा लगुच्छी, आम दुईजण भितर भल बॉन्डिंग ना, छोट बड़ कथा को लेकिन आम जुक्तितर्क हो बहुत प्रॉब्लम चलुच्छे आम भितर, यार समाधान कौन? मु किसी भी जिनस कह पूर्व आपको गोटे कथा कह, एमती कौन सी स्वामी स्त्री नहांती जहाँ भितर झगड़ा लगुनी। पृथ्वी एमती कौन सी स्वामी स्त्री को आप पाइबे जे जहाँ मानने दुईजण भितर झगड़ा लगुनी। प्रॉब्लम एटा नुहे, प्रॉब्लम हूँ सेतबाला हम जितेबले दुईज स्वामी स्त्री भितर झगड़ा लगे। तो दुईज भितर जो झगड़ा लगुच्छे ना, प्रथम तार कारण खोजतु कौन पर झगड़ा लगुच, ये गोटे कथा। द्वितीय कथा, आजिका डेट रे ना एमती नुहे का लाइफ रे प्रॉब्लम ना, समस्त लाइफ रे अच्छी, चाहे से छोट हो कि बड़ हो समस्त लाइफ रे प्रॉब्लम रहुची। समस्ते यूनिक, समस्त नेचर बिहेवियर कथा को बुझा अंडरस्टैंडिंग जो जहाँ कहते सब जिनस हूँ डिफरेन्ट, समस्त पाखे अलग अलग प्रकार रही। तो बाहर लोक को देखिक निज जिनसमती से भूल थाए, तो मुझे गुड़ा पॉइंट भी आपको कहबी, ये तो से पॉइंट ऊपर आप थे निश्चय भावे हुए तो भितर आपको किसी समाधान मिल। तो फर्स्ट हूँ ईगो, तो ये समस्त पाखे ईगो प्रचुर मात्रा आप देखा पाए, बहुत ही कम लोक अच्छा जे कि ईगो को साइड रखिकी रिलेशनशिप को आग को मैंने रखुच्च है ना। तो एबका संपर्क में ईगोर स्थान बहुत उच्चार अच्छे, ईगो को मानते समस्ते बहुत ऊपर रखुच्च, सी कहीं कलानी मु कहीं करी, सी कहीं कहला मु कहीं छाड़ी। देखो स्वामी स्त्री संपर्क ये दुनिया सबुठार सुंदर एवं पवित्र संपर्क, जदि से दुहिंक संपर्क भितर ईगो आसला ताहले से संपर्क सुंदर तो हो पारे दुनिया नजर रे, किंतु पवित्र हो पारे नी। तो जदि आम गोटे संपर्क अच्छा सेठी ईगोर कौन सी स्थान ना, ये गोटे पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हूँ ट्रांसपरेंट, दुई जन भितर कि कथा जमी लुचिकी रही न एबे तो माने देखिबो को पाइबे आपण जे समस्त पाखरे मोबाइल हो साधारण मोबाइल हो से पासवर्ड पड़ुछि। तो स्वामी स्त्री भितर लुचा छपा काम कौन कि तो हवा दरकार नहीं, सेठी सब जमी कहते ना खोला बही भाई सब जिनस सेयार करने दरकार, कौन सी जिनस लुचिकी रही कथा नुहे। बहुत जगह मुझे देखी घर जदि किसी प्रोब्लेम चली थी कि घर जदि किसी कथबार्ता आम हो बड़ मैंने हूँ किसी कथा होते हैं पु को बस कथा होते कि बोहू को सैड रखि थे जो आलोचना चली से भाग हेनी। तापर स्वामी मानक भी सी कर्तव्य था जहाँ भी आम कथु कि कौन हलु तार भी से अधिकार अच्छे से सब जिन शुणा। तो तापर स्वामी भी से जिनस लुचाए, तो जनातर हो अजनातर हो ये जिनस ना गोटे स्त्री को बहुत कष्ट दे थाए, जेतबले ताको परिवार रे के निजर बोली भावंती पर बोली भावंती, तो सेठी से क्या कह समे कहते गोटे स्त्री चिड़चिड़ी हो सब कथा मानने रागुची जुक्ति करु ता मन जो कष्ट चलती जो द्वंद्व चली थाए किए शुण गोटे स्वामी पाखे जब से समय न से मन कथा कह तो कथा से क्या कह। तो से कहली सब जिनस जमी ट्रांसपरेंट रही जिनस लुचा छुपा ना, जहाँ भी होती भूल होता ठीक होता घरे बाहर सांगसाथी जहाँ भी मानते दुईज कहूँ जहाँ भी होती तो सब ट्रांसपरेंट रखिए कथा भितर मानते जमी किसी भी गोटे पर्दा न। तो ये दुईटी तो होगा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हूँ अंडरस्टैंडिंग माने बुझामणा, जदि दुईज भितर भल अंडरस्टैंडिंग थी दुईज दुईज को बुझीपारे थे तो सेठी बहुत सारा जगार झगड़ा बिल्कुल आपन पाइबे नी। सेठी झगड़ा तो केवल होता है किसी मानने समय को लेकिन झगड़ा होता है कि जेकोसी झगड़ा जदि दुईज भितर चलु था ना से आम झगड़ा बोली कहूँ ना, से गोटे स्वीट झगड़ा मानने भल झगड़े आम नहीं पारा। गोटे स्त्री ता स्वामी सहित सेत भी झगड़ा करते जो से समय मिल न थाए सी ता स्वामी सहित टी क्वालिटी टाइम स्पेंड कराया चाहूँ कि स्वामी सहित टी समय बीतवाक चाहूँ जो समय मानते से क्या सहित तो बीते पार नहीं, एकाठी बस बा चा टे पीवा हो कि एकाठी बस कि जिनस डिस्कसन करवा हो चाहे से छुआ कथा हो घर परिवार कथा हो कि निज फ्यूचर कथा हो जेकोसी कथा भी हो सी ता स्वामी सहित बसवाप भल पाए। एमती बहुत स्त्री लोक अच्छा बास मानने दिन सारा से कम व्यस्त थे जो सन्ध्या हो रातिर हो कि जो स्वामी ऑफिस रो हो कि बिजनेस जो करोठू से फेरुवे से टी चाहते सहित टी बस कथापी। तो सेठी स्वामी मानक भी बुझा दरकार होता है जे दिन सारा ता पाखे कहीं भी नहांती कथापी दिन सारा से काम व्यस्त रही है, तो रात्रि जो समय मिलूँ कि सन्ध्या जो समय मिलूँ कि छुट्टी दिन जीत समय मिलूँ से समय देवाई, जदि से जगार स्त्री जदि किसी चिड़िकी कहीदे कि रागिकी कहीदे तो ये स्वामी मानक कहे मैंने मोर भाई मानक कहबी
बस किछि नै किछि भी आपण तांको सजेशन दबा कि किछि माने तार भूल बाहर करबे कि किछि से सब जिंस आपण टिके पर भी कर परबे किंतु जो समय रे ताको गोटे सपोर्ट दरकार हेते ना गोटे इमोशनल सपोर्ट दरकार हेते से समय रे ना बस आपण चुप हेके टिके कथा सुनंतु तार मन रे जो कष्ट चलु थै जो दुख से कहा से तो शेयर करि परबो नै गोटे गोटे लेडीज मु देखि छि जे से माने निजरो जो प्रॉब्लम थै ना से तार बाप घर को भी जणांतिनि केते लकी वाइफ आपण पाइछन जे निजरो प्रॉब्लम से केबे बाहर लोकन को जणोनि आ मु सब बेले कहिथे दुई जणक भितरे जहा भी झगडा हेते ताको तृतीय लोक पसेबा कथा न माने तांको भितरे तृतीय लोक को पसेबा उचित नै जम्मा बिनै चाहे से जते भलो सांग हेथौ कि फॅमिली मेंबर रे सेमते केही हेथांतु जे दुई जणक भितरे सब बेले भलो जाहंती तृतीय लोक केबे पसेबा कथा नै हे परे समस्त सब बेले तो चुप हेकि बसि पारंदे ना किछि जिंस डिस्कशन होतिबो होय त से जिंस बाहर को बाहरि आसिबो त सेथि पई दुई जणक भितरे झगडा हेछि त दुई जणक भितरे समाधान करबा दरकार त स्वामी स्त्री भितरे झगडा हेबार कारण ये भी गोटे थाए आ गोटे कारण मध्य थाए जेमिति कि आपण कहिले स्वामी सब कथरे विरक्ति होउछन छोट छोट कथरे चिडुछन्ति त ए जो ए सब जदि होउछन आपण को घरे ताहले आपण जो झगडा होउछि कि जो स्वामी विरक्ति होउछन्ति कि रागुछन्ति कि चिचिडी होउछन्ति तार कारण खोजंतु हला जदि आमे जो जिनसर समाधान चाहूँचे जदि आमे तार कारण ही जानि नथिबा जदि से प्रॉब्लम कौन हो सेठी जानि नथिबा ताहले आमे ताको केमिति समाधान करि परिबा समाधान करबा पूर्वरु आमको से कारण खोजबा को पड़िबो जे एक्चुअली रे होउछि कोन त सेथिरे आपण निजो को पचारंतु निजो सहित कथा होंतु कि आपण हस्बैंड को भी पचारि परिबे तमे रागुचो काहे कि हेइछि कोन कोन पे विरक्ति होउछो कोन पे रागुचो जदि किछि अछि ताले को खुली कि भलरे पचारिबे आ जदि निजो समय के पचारि पारु नांते ताले निजो को मध्ये पचारि परिबे जे एक्चुअली रे हेइछि कोन आमो दुजन को भितरे सेमति किछि कन्वर्सेशन हेइछि कि सेमति किछि जुक्ति तर्क हेइछि कि जो जुक्ति तर्क को लेकिन जो कथा को लेकिन मुझे किसी शब्द व्यवहार कर दे किसी कथा कहीदेज कि जो जिनसटी मत मो स्वामी को कहबार ना जदि रिजन ये आरी भितर कि भी थाए निज भूल जो कि भी थाए तो ये आप बिल्कुल इगो को आने आपज भूल को स्वीकार करेंगे से भूल को मानवा सहित से भूल को पर करेंगे है जदि आमे आम स्वामी को भल पाँच आम जदि से ही संपर्क रहिबाकु चाहूँ ताल आमे से संपर्क को कहीं तिक्तता करिबा कहीं से संपर्क को आहुरी जटिल करिबा बुझिपारछन्ति तो ये जिनस आपण करिपारिबे सेकेंड कथा जदि आपण को लागुच कि ना आम भितर तो सेमती किसी कन्वर्सेशन है कि आम दुजन भितर से भाई कौन से कथा है मुझे कहीदेवि से कथा से रागि थे तो ये जिनस जदि हो नाले निहाती रूप से बाहर किसी कथ आप स्वामी को वरीड कराला चिंतित करौ तो बाहर हो पाए ऑफिस रे किसी कम थाए ना ऑफिस वर्क बहुत अधिक हो तो सी फ्रस्ट्रेसन क्या बाहर करेंगे निज फैमिली मेम्बर को ऊपर ही बाहर कर तो जदि से रिजन हो कि साधारण बिजनेस हो कि सांगसाथी था कि फैमिली होता जहाँ भी जेकोसी रिजन जदि स्वामी से चिजड़ी होते हैं आपड़ टी टाइम बाहर कर बसंतु जमीक कहली स्वामी मान भाई मानते कहले टे टाइम देखी बसंतु शुणु कौन सेम थिंग आपण भी सेमती शांति मनरे नीरव होकर बसिक शुणु एक्चुअली कौन से कौन कह चाहते जमी दुई जन दुई जन विश्वास भरोसा रहा दरकार मनकर मोर मो स्वामी सहित जमी मोर तर विश्वास अच्छे भरोसा अच्छे जे मुझा कह मो कथ शुणे मो कथ बुझे तो मो मन कथ अति इजी मानते अति सहज भाव में रखिपारि तो सेमती मो स्वामी भी मोर से विश्वास भरोसा रहा दरकार जो हाँ मो स्त्री को जो कथ कह से मो कथ शुणी मो कथ बुझे मत से सपोर्ट कर बुझेगा तो ये दुईट जिनस ना दुई जन भितर रहा निहाती दरकार आपको ही कहते बंडिंग तो जदि ये सब जिनस भितर हो कमी जा तो यहाँ एत बड़ कथ भी नुहे आपरें है निश्चिंत रूपे करें जोबले देखिले कि हाँ घर भितर तो किसी प्रोब्लेम ना मो जो तो किसी अशांति हो बाहर किसी अशांति हो तो निहाती रूप से आप बसंत अधिकार जो गोटे स्त्रीर अधिकार रही तो स्वामी पाखे बसवा हाथ को आप धरतु पूरा स्नेह धरतु पचारतु कौन है कहीं रागुच कहीं चिचिड़ी हो जहाँ भी प्रोब्लेम होमें दुईज मिसिक तार समाधान करदे बस टेनसन नियनी सब जिन सल्यूशन अच्छे ये जो छोट छोट कथा ना गोटे पुरुष हो कि गोटे नारी हो ताको मेंटली सपोर्ट मिलता है मानने भितर ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी थाए तो ये दुईज मुझे दुईज दुईज मानने जदि साथ नदे दुईज दुईज को जब बुझे ताहले निहाती रूप से झगड़ा भी आसीबो आउ जो थाए ना संपर्क दूरता सेटा भी आसीबो तो जमीती कि मुझ प्रथम कहली जदि आम से संपर्क रहिबाकु चाहूँचंती से संपर्क आग को बढ़ेबाकु चाहूँचंती ताहले आमको छोट छोट जिनस को ध्यान देवाक पड़ो छोट छोट खुशी हो से जिनस को ध्यान देवाक पड़ो
ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼ ଜିନିଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରିଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିକି ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଚା କପ୍ ପିଇପାରିବା, ସେଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ବସିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିବି, ସେଠି କ'ଣ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ହେବ? କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କଥା ରହିଛି, ଘର କଥା ହଉ ବାହାର କଥା ହଉ, ଆପଣ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକରି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ତାର ୱାଇଫ୍ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ ନା, ତ ମନ ଭିତରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ତିକ୍ତତା ଆସିବନି। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଲ୍ୟୁ। ଭାଲ୍ୟୁ କହିଲେ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘର କାମ ହଉ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁ, ନିଜର ରେସପେକ୍ଟ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିପାରେନି, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ନେଇଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବା, ନିଜକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା। ନିଜକୁ ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବେନି, ନିଜକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେନି, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆମର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବୁଝିବନି। ସେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଥାଏ ନା, ସେତିକି ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବାର ଅର୍ଥ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ କି ଘରୁ ଯାଇକି ଅଲଗା କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେସବୁ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ବି ପଶେଇବେନି। ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବାର ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ପଜେସିଭ୍ ଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ମାନେ ଯେମିତି କେୟାର୍ ନେବା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେତିକି ଥାଏ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦେହରେ କିଛି ଗୁଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆମେ ଆମ ସେ ଗୁଣକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଗୁଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏପଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିବା, କି ଷ୍ଟିଚିଂ କାମ କରିପାରିବା, କି ଅନଲାଇନ୍ କିଛି ବି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାଖ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, 2-4 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପାଖ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁ କାମରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ଏତ ହୁଏତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ନଜର, ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ ସବୁବେଳେ ସେଇ କାମ ପ୍ରତି ରହିବ କି ହଁ ମୁଁ ମୋ କାମକୁ କେମିତି ଡେ ବାଇ ଡେ ବେଟର କରିପାରିବି, ଭଲ କରିପାରିବି, କିଛି ନୂଆ କରିପାରିବି, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରହିବ, ତ ଏ ଜିନିଷ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ପକାଇବନି। ଝଗଡ଼ା ହଉ କି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉ କି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି। ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷ ନା, ଯେଉଁ ଟିକେ ଭାଲ୍ୟୁ କମ୍ କରିବା, ଟିକେ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଯେତିକି ଆପଣ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବେନି। ଅଧିକ କିଛି ନ କଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ବି ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ରେସପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ଜରୁରୀ, ବୁଝିଲା, ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇବା ଜରୁରୀ। ତାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏ ସମାଜ ହଉ, ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।